लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। पार्टी ने तीसरी लिस्ट में 97 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया है। साथ ही बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। बिहार के 25 उम्मीदवारों वाली लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं है और नवादा से टिकट मिलने से गिरिराज सिंह नाराज है। बिल्कुल मैं नाराज हूं। बिना विश्वास में लिए गए निर्णय लोकतंत्र में उचित नहीं। बीजेपी में ये नाराजगी है टिकट बंटवारे की प्रक्रिया को लेकर, ये गुस्सा है टिकट बंटवारे से पहले विश्वास में नहीं लिए जाने को लेकर। बीजेपी में एक गिरिराज सिंह अकेले नहीं है जिनको आलाकमान के फैसले पर एतराज है। ऐसे लोगों की लिस्ट काफी लंबी है। हम आपको ऐसे दूसरे नेताओं के बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह को बिहार की नवादा सीट से टिकट दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो बेगूसराय से टिकट चाहते थे। अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से बात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। बिल्कुल मैं नाराज हूँ और बिना विश्वास में लिए गए निर्णय लोकतंत्र में उचित नहीं। पटना साहिब सीट को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। इस सीट से शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं, लेकिन कल जारी लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा के नाम का ऐलान ना करने से पार्टी के सीनियर नेता अश्विनी चौबे पार्टी से खफा हैं। हालांकि शाहनवाज हुसैन का कहना है कि सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। शाहनवाज हुसैन को भागलपुर से टिकट दिया गया है। जो भी हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं सभी बराबर हैं, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेना, ये सबसे परिवार में समन्वय में, जब आपस में परिवार में समन्वय नहीं हो तो उसके कारण थोड़ा बहुत शिकवा शिकायत परिवार में, बच्चे भी माँ पिता से शिकायत करते हैं। बिहार में आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जो टिकट का बंटवारा हुआ आपको लगता है कुछ कोई विवाद भी है या कोई विवाद नहीं? बहुत सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। बीजेपी ने कल अपने 97 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बिहार की ही बात करें तो कीर्ति आजाद को दरभंगा से, राजीव प्रताप रूडी को सारण से, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आर के सिंह को आरा और आरजेडी छोड़कर आए रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र से मैदान में उतारा गया है। वहां से मैं लगातार लोकसभा का सांसद के रूप में भी रहा हूं और नहीं भी रहा हूं, पर वहां के लोगों से मेरा घर घर से लगाव है, एक एक परिवार से लगाव है और मुझे बहुत भरोसा है कि पाटलिपुत्र की वो जनता अपना आशीर्वाद जैसे पहले देती रही है इस बार भी देगी। तीसरी लिस्ट जारी होने के साथ ही बीजेपी पर भाई भतीजेवाद का आरोप लगा। हजारीबाग सीट से मौजूदा सांसद यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को टिकट दिया गया, जबकि मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं पीएम उम्मीदवार मोदी, राजनाथ सिंह और आडवाणी की सीट का पेंच अभी तक फंसा है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल फिर बैठक होनी है। माना जा रहा है कि इसमें मोदी और राजनाथ समेत पार्टी के कई बड़े दिग्गजों की सीट का ऐलान हो जाएगा। हिमांशु मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली।